तो किशनगंज जिले में कनकई रतुआ नदी के जलस्तर में कमी जरूर आई है। इसके बाद बाढ़ का पानी तो घटना शुरू हो गया, लेकिन कटाव जो है वो बेहद तेज गति से इस वक्त हो रहा है। तेज कटाव की वजह से बहादुरगंज प्रखंड में लौचा पंचायत के कौला भट्टी गांव में दर्जनों कच्चे मकान जो हैं वो नदी में समा चुके हैं। सभी कच्चे पक्के मकानों को लोग अब जिनके मकान बच भी गए वो अपने हाथों ही अपने इस आशियाने को तोड़ रहे हैं। घर के सामान को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का यह आरोप है कि चुनाव के समय नेता वोट के लिए तो यहाँ दौड़ जरूर लगाते हैं, लेकिन आपदा की घड़ी में कोई उनकी सुध लेने नहीं आता। घर कट रहा है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, किधर जाएं हम, इसलिए घर को तोड़ रहे हैं। और खाने पीने का नहीं है, चार रोज से हम बैठे हैं यहाँ भूखे प्यासे, कोई राशन पानी नहीं है, खाद कोई देने वाला भी नहीं है, यहाँ कौन आएगा सामान देने, रास्ता ही नहीं है तो आएगा कौन। आज उसके मारे घर तोड़ रहा हूँ, घर अभी वो भी कटा करके जा रहा है नदी में, तोड़ रहा हूँ इसके वजह से हम। अब क्या करें, हम मजबूर में हम हालत में देख करके हम घर तोड़ रहा हूँ। आज खाने पीने का कोई साधन नहीं है और कुछ नहीं है यहाँ, न सरकार का हाल यहाँ कोई न मुखिया तो गया न MLA न MP कोई आज तक यहाँ नहीं आया है। तो कोसी के गिरते जलस्तर ने सुपौल के लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर दी है, लेकिन कोसी ने कई गांवों का भूगोल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहां कल तक भरा पूरा गांव हुआ करता था, आज वहां देखिए कैसे नदी की तेज धार बह रही है। लोगों के घर पानी में पत्ते की तरह बह गए। कुछ घर गांव जो है वो गवाही के लिए जरूर आपको इक्का दुक्का कहीं कहीं नजर आ जाएंगे जो खड़े हैं। लोग अपने सामान को लेकर बांध के किनारे घर बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि गाँव के लिए जल्द से जल्द रास्ता बन जाए, लोग अपने आशियाने में रहने लगे। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से लेकर के सामने तक ये पूरा का पूरा एक रास्ता हुआ करता था और जिस पर कई घर जो है एक साथ बने हुए थे, लेकिन तमाम घर जो है वो तेज धार में बह गया और तमाम घरों का नामो निशान अब नहीं है, जबकि एक दो घर अवशेष के रूप में आपको जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे। अभी वहां से तेज धार जो है वो बह रही है। इस तरह से पूरा का पूरा गांव का जो अस्तित्व है वो खत्म हुआ। और जो लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं, यहाँ पे कितने घर रहे होंगे लगभग? यहाँ पर लगभग 20-25 घर थे, पूरा ऊंचा हुआ था, ये पूरा ऊंचा था नौ जी बना हुआ। सारा का सारा घर बह गया, सारा का सारा घर पानी में बह गया। इतना खड़ा पानी था, बहुत ज्यादा खड़ा पानी था, आदमी भी कटाव हो गया है। हाँ, ये पूरा कटाव हो गया, इसमें बहुत आदमी रह रहे थे, पूरा आदमी जो है यहाँ से भागने में मजबूर गए। लगभग जो है 30 फुट गहरा हो गया है। अब यहाँ के लोग जो हैं वो कहाँ पे शरण ले रहे हैं? सिर्फ ये बांध पर शरण ले रहा है, भूखे प्यास है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, क्या खाया क्या पिया। टीम को खबर दिया गया एक भी आदमी जो है ये डीआरएम की टीम यहाँ नहीं आई है। आगे कटनिया लगा हुआ था, पब्लिक मिल करके वहाँ पर जो है बांधा, वहाँ दुर्गा स्थान के पास जो है पूरी तरह कटो लगा हुआ। हम लोग सरकारी गाड़ी सरकारी कर्मचारी को उसमें जो है चार पांच तो बह गया, ये बीच में बच गया पूरी तरह से। हाँ, मेरा ये पूरा बह गया, जो था वो सब चला गया, रात में चलेगा अब ऐसा कुछ नहीं बचा, बस जो बचा है वो थोड़ा बड़ा मोटा जो बचा। यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो बांस और बल्लियां जो हैं जो उजड़ गया है उसको ठेले पे लाद करके लोग जो हैं वो ले जा रहे हैं, और इसी बांध के किनारे एक छोटा सा आशियाना बना करके ये लोग रहेंगे और इंतजार करेंगे कि पानी जब तक कम हो, और एक बार फिर से फिर घर यहीं पे बनेगा जब पानी कम होगा। तो अभी तो मुश्किल लग रहा है, जितना पानी है नहीं हो पाएगा यहाँ, अभी घर कैसे बन पाएगा, अभी घर नहीं बन पाएगा। 30 फुट गहरा हो गया, 20 फुट गहरा हो गया, समुद्र हो गया, एक तरह से यहाँ पर कैसे घर बनेगा। अब सरकार इसको पानी घटने के बाद सरकार जो करे इसका हालात। लोग जो है वो विस्थापित होकर के बांध के किनारे शरण लेने को तैयार है, और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद मिले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, News 18 सुपौल। तो गांव के गांव उजड़ चुके हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर आपदा मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि सरकार की ओर से लोगों तक राहत और बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, चाहे बात गंगा की हो, गंडक की हो या कोसी नदी की। पानी आने से कई जिले
बाढ़ से प्रभावित जरूर हुए हैं, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित हर जिले में राहत शिविर लगाई गई है, लोगों के खाने और रहने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि कई जगह पर तटबंध टूटने की खबर है, लेकिन बाढ़ से मौत की कोई सूचना नहीं है। आपदा मंत्री ने दावा किया कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त आपदा मंत्री संतोष सुमन है। संतोष जी, क्या स्थिति है? आप लोगों ने सरकार की तरफ से अभी तक जो तैयारियां की हैं, लगता है उसे लोगों को राहत मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जिस तरह से बाढ़ है, कोसी का नेपाल से पानी आना, गंगा का जलस्तर बढ़ना, अभी हमारे 16 जिला जो है कि गंगा से प्रभावित है, 13 जिला नेपाल से जो पानी आया है, ये हम लोग के लिए एक चुनौती भरा समय है। और हम सब पूरी सरकार लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग के पूरा आपदा की जितनी टीम है, हमारे SES हैं सब, अभी देखिए दरभंगा में है, हम भी अभी मुजफ्फरपुर सामने मेरा जाने का प्लान है, उसके बाद दरभंगा भी कल देखेंगे। तो हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से तैयारी है, NDRF SDRF की टीम लगी हुई है, हमको एम्बुलेंस जो होता है बोट एम्बुलेंस होता है वो लगाए हुए हैं, और जितने भी पॉलीथीन सीट दिया जाता है, फूड पैकेट दिया जाता है, राहत शिविर है, ये सारी बातें चल रही, कम्युनिटी किचन की बात होती है चल रही है, सारे DM मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब लोग अलर्ट हैं। तो सरकार की तरफ से जितना हो सकता है सरकार कर रही है, और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कुछ मौत की भी खबर है, क्या कुछ सूचना आप लोग के पास आई है? देखिए, पानी में डूबने से या परिस्थिति, अभी हम लोग बांध टूटने का अभी 4-5 जिलों से आया है तटबंध में, उसमें अभी तक उस तरह की जानकारी नहीं मिली है। हम लोग अभी मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, और पूरी तरह से हम लोग सजग हैं, और ऐसी कोई खबर आएगी तो उसको भी हम लोग आपको बताने का। तो बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री संतोष सुमन थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी 4-5 दिनों का वक्त जरूर लगेगा स्थिति को सामान्य होने में। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति पर बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि त्रासदी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में कैंप करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अधिकारी बालू की बोरी खुद तटबंधों तक पहुंचा भी रहे हैं और भर भी रहे हैं। CM नीतीश कुमार खुद पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के, सभी यहां तक कि DM साहब अपने से बोरा उठा उठा रख रहे थे स्थिति दरभंगा जिला के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से सारे के सारे प्रशासन लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। स्वाभाविक बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की जितनी भी खबरें हैं वो खबरें प्राप्त कर रहे हो, और वह सारे के सारे जगह दूरभाष से बात करके सब जगह कहे मुस्तैद रहने के लिए। तो मुजफ्फरपुर में बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और आई कटरा के इलाके के दर्जनों गांव में बागमती नदी का पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। लोगों के बीच स्थिति जो है वो परेशानी वाली साफ नजर आती है। हालात को देखते हुए तटबंध की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बागमती नदी खतरे के निशान से चूंकि ऊपर है और कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर दिखती है। पंचायत में कुछ जगहों पे पानी का विस्तार अभी हुआ है, लेकिन जैसी सूचना है कि पानी घट भी रहा है बैक साइड में, तो जो भी वहाँ पर जरूरी बंदोबस्त किया जाना है उसके लिए आवश्यक निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत सारी प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।